ये जो मकान बने हुए हैं सर, तो ये जाने साहब गरीब लोग हैं, किसी ने मजदूरी करके बनाए हैं। आपके मकान है कहाँ पे, कहाँ का बने? जो रोड के सर हम आपके पास आए, ये सारे गरीब लोग हैं। ये एक रूमर भी फैलाई गई, मैं तो समझता हूँ अगर आपको खाली जगह कवर कर रहे हैं तो आदमी बचाने के लिए दाव पेच भी खेलता है। सही बात है, अगर मैं मर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कम्युनिटी इन्वॉल्व कर लूँ। एक्चुअल में हमारी जो वहाँ ज़मीन थी, कुछ फॉरेस्ट की ज़मीन थी, वो कवर कर रहे थे, उसी चक्कर में सारे लोग जो हमारे 8-9 हज़ार वहाँ कुंभा बस्ता है वो परेशान थे। तो हमने गुप्ता साहब से बात की, वो हमारे साहब से बात, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी की ज़मीन तोड़ने नहीं जा रहे, हाँ जो फॉरेस्ट की ज़मीन है वो हम कवर करेंगे। तो बस इसी वजह से बात हुई हमारी आज। डेफो साहब ने आश्वासन दिलाया कि हम किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे, हाँ जो फॉरेस्ट की ज़मीन है वो हम कवर करेंगे। ये काजी मोड़े का एक डेलीगेशन आया था हमारे पास, क्योंकि इनका एक प्रॉब्लम थी, इन लोगों को एक गलत फहमी हो गई थी कि डीएफओ साहब इनके जो मकान है वो फॉरेस्ट लैंड में उनके गिराने जा रहे हैं। हम यहाँ डीएफओ साहब से बात की, एक बड़े गरीब लोग हैं, उन्होंने कहा मैं किसी भी गरीब का कोई भी नुकसान करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन जो खाली जगह फॉरेस्ट लैंड की है उसको हम अक्वायर करेंगे। तो हम साहब ने उनको एश्योरेंस किया जो खाली जगह आप उसको जो मर्जी करिए, वो फॉरेस्ट लैंड है उसको आप कवर करिए जो मर्जी करिए, बाकी ये गरीब लोग सब आपके साथ हैं। इनके अंदर एक गलत फहमी पैदा की जा रही थी कि डीएफओ साहब इनके खिलाफ है, आज यहाँ पर आए, इनकी डीएफओ साहब से बात हुई, उन्होंने एश्योरेंस किया मैं किसी गरीब का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं गिराऊंगा। तो ये सारे लोग गरीब हैं और मैं समझता हूँ डीएफओ साहब एक नेक आदमी है, उन्होंने ईमानदारी के साथ पुंछ के अंदर काम किया है। आज मिलने के बाद मुझे खुशी हुई कि उन्होंने गरीब का भला अच्छी अच्छी बातें की, उन्होंने इनको समझाया जैसे अपना बड़ा भाई समझाता है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज गरीब के सर के ऊपर हाथ रखा है। ये लोग दुआ देंगे डीएफओ साहब को खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। बाकी जो जगह फॉरेस्ट की है, जो खाली पड़ी हुई है, वो चाहे उसको जो मर्जी करें, उसमें इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। नंबर 2944 काजी मोड़ा, जो कि गैर मुमकिन जाहिर रिकॉर्डेड है, और उसमें जो ओपन पैच है ऑलरेडी, हम जो हमारे पोजीशन में हम उसको इमीडिएटली फेंस करने वाले हैं, उनने उनको यही कहा इन्फो। मोर ओवर जो जो कुछ छोटे से एरिया में जो कंक्रीट स्ट्रक्चर बने हैं, तो हमने उनको कहा कि फॉर द टाइम हम नहीं हटा रहे उनको, और जो अगर कभी भी चीज़ होगी तो वो ड्यू प्रोसेस है, तो इनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी गरीब को अननेसेसरी बातों में आने की जरूरत नहीं है। हम हमारा जो एरिया है जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, हम उसी को ही इमीडिएटली फेंस कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ है वो ऑन पेपर है, हम लीगली काम कर रहे हैं इन स्पीकिंग मैनर। अब तक भी जो हमने काम किया, मैक्सिमम एविक्शंस जो हमने किए हैं, वो सारे स्पीकिंग मैनर में हमने ये क्लेम किया है। उसी पर्पज़ से हमने उस जगह पे निशानदेही भी करवाई, निशानदेही के दौरान जो कि हाउएवर निशानदेही प्रॉपर नहीं, पर स्पॉट वेरीफाई करवाया, जो वो स्पॉट हमारे फॉरेस्ट के पोजीशन में है, और उसमें हमने किसी भी तरीके से कोई एनक्रोचमेंट फर्दर एक्सटेंशन नहीं होने दिया। तो उसी हवाले से आज हमने उसमें जो इलीगल रिकॉर्ड्स बने थे जो कनाल्स में थे, उसका हमने आज डी साहब से टेकअप करके रिकॉर्ड भी कैंसिल करवा चुके हैं, और उसको हम जल्दी ही एरिया को फेंस कर देंगे ताकि वो वेल प्रॉपर तरीके से वो एरिया में जो हमारी एस्टेब्लिश क्रॉप है वो प्रोटेक्ट हो, और उसका जो नया रीजनरेशन है वो उसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। और मोर ओवर ये जो जगह है वो प्राइम लैंड है वर्थ ऑफ करोड्स, तो वहाँ पर एक हम प्लान कर रहे हैं कि एक अच्छा सा स्पॉट बने फॉरेस्ट की अवेयरनेस की पर्पज़ से, पब्लिक भी उसको मतलब जो सिटीज़ के आसपास रह रही हैं वो फील कर पाएँ फॉरेस्ट को, उसमें पिकनिक स्पॉट भी हो और एक अच्छा पब्लिक सपोर्ट से एक चीज़ बने।